नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको नरक चतुर्दशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दीपावली के 2 दिन पहले नरक चतुर्दशी का पावन पर्व मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस दिन यमराज की पूजा का विधान है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर यम तर्पण करने व शाम के समय दीप दान करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। इसे मुक्ति का त्यौहार भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कर 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया था तथा समाज में इन कन्याओं को सम्मान दिलाने के लिए इनसे विवाह किया था। इस दिन जगत के पालनहर्ता भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी, काली चौदस और नरक मुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। नरक चतुर्दशी की कथा। बहुत समय पहले की बात है, रंतिदेव नामक एक बहुत धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। उन्होंने अपने जीवन में भूल कर भी कोई पाप नहीं किया था। उनके राज्य में प्रजा भी सुख शांति से रहती थी। लेकिन जब राजा की मृत्यु का समय नजदीक आया तो उन्हें लेने के लिए यमदूत आकर खड़े हो गए। रंतिदेव यह देखकर हैरान हुए और उनसे विनय करते हुए कहा, हे दूतो, मैंने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया है, फिर मुझे यह किस पाप का दंड भुगतना पड़ रहा है जो आप मुझे लेने आए हैं? क्योंकि आपके आने का सीधा संबंध यही है कि मुझे नरक में वास करना होगा। उसके बाद यमदूतों ने कहा कि राजन, वैसे तो आपने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, लेकिन एक बार आपसे ऐसा पाप हुआ जिसका आपको भान नहीं है। एक बार एक विद्वान गरीब ब्राह्मण को आपके द्वार से खाली हाथ भूखा लौट जाना पड़ा था। यह उसी कर्म का फल है। तब राजा ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि मुझे एक वर्ष का समय दें ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं और अनजाने में हुए इस पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब राजा के सत्कर्मों को देखते हुए यमदूतों ने उन्हें एक वर्ष का समय दे दिया। अब राजा अपनी भूल को लेकर काफी पश्चाताप कर रहे थे, साथ ही उन्हें चिंता सता रही थी कि इस पाप से मुक्त कैसे होंगे। वह अपनी चिंताओं को लेकर सीधे ऋषियों के पास पहुंचे। ऋषि बोले, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करने से बड़ा पाप भी क्षम्य हो जाता है, अतः आप चतुर्दशी का विधि पूर्वक व्रत करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनसे उनके प्रति हुए अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करें। फिर क्या था, राजा रंति को तो बस मार्ग की तलाश थी। उन्होंने ऋषियों के बताए अनुसार चतुर्दशी का व्रत किया, जिससे वे पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। तब से लेकर आज तक नरक चतुर्दशी के दिन पाप कर्म व नरक गमन से मुक्ति के लिए कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। नरक चतुर्दशी की पूजा विधि। नरक चतुर्दशी के दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख कर यमराज से प्रार्थना करें। ऐसा करने से साल भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा को यम देव की दिशा माना जाता है, इसलिए चतुर्दशी तिथि पर यम के नाम का दीपक दक्षिण दिशा में प्रज्वलित किया जाता है। यह दीपक घर के किसी बड़े बुजुर्ग सदस्य के द्वारा प्रज्वलित करते हैं। यम के नाम का दीपक प्रज्वलित करने के लिए पिछले साल के रखे हुए पुराने दीपक को ही प्रयोग में लाया जाता है। यदि आपके पास पुराना दीपक न हो तो नया दीपक भी प्रज्वलित किया जा सकता है। नरक चतुर्दशी पर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। नरक चतुर्दशी की शाम देवताओं का पूजन करके इस दीपक को गेहूं साफ करने वाले सूप में रखकर प्रज्वलित करना चाहिए। यदि सूप न हो तो थाली में भी दीपक रखकर जलाया जा सकता है। थोड़े से खील के दाने भी दीपक में डालने चाहिए और थोड़े से खील सूप या थाली में रखने चाहिए। इस दीपक को अपने घर की परंपरा के अनुसार द्वार चौराहे या फिर घर के बाहर अकेले स्थान पर रखा जाता है। इस बात को याद रखें कि दिया घर से जलाकर ले जाना होगा।
इसके बाद दिए के पास ही लोटे का जल डाल दें। लोटे का जल डालते हुए मंत्रों का जाप करें। दिए को बिना देखे घर लौटकर आए और दिया जलाने से लेकर घर लौटने तक मौन धारण रखना चाहिए। नरक चतुर्दशी पर लोग अपने शरीर पर सूर्योदय से पहले उठकर उपटन लगाते हैं। मान्यताओं के अनुसार उपटन लगाने से इंसान का शरीर सुंदर और निरोगी बनता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करना लाभदायक है। उपटन लगाने के बाद इस दिन नीम के पानी से स्नान किया जाता है। नरक चतुर्दशी का महत्व। नरक चतुर्दशी को काली चौदस और छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन 6 देवी देवताओं की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन यम देव की पूजा करने से नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है व अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है। नरक चतुर्दशी पर यम के नाम का दीपक प्रज्वलित करने के संबंध में एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार यम देव ने अपने दूतों को अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा था कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन दीप प्रज्वलित करेगा उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसलिए नरक चतुर्दशी पर शाम के समय यम के निमित्त दीपदान करने की परंपरा है। इस दिन काली पूजा का भी विधान है। धार्मिक ग्रंथों की माने तो नरक चतुर्दशी की आधी रात को माँ काली की पूजा अर्चना करने से सभी कष्टों का नाश होता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।